स्टूडेंट्स, टुडे इज दिस इज द फिफ्थ सेशन दिस चैप्टर पी ब्लॉक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन। इट मीन्स हाउ दीज एलिमेंट्स फॉर्म देयर हाइड्राइड्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज हाइड्राइड्स। सो दिस इज द मेन objective for today's session, and not only for today but the next two or three session is going to be very important, because from these topics in CBSE board examination generally reasoning based question is asked or assertion or reasoning type question is asked. So it is important to develop your concept and try to understand each and every aspect of the topics, और जितना हो सके बच्चों इसको अच्छे से नोट्स में लिखिए, उसके रीज़न लिखिए या जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंगली क्या पूछा जा रहा है उसको आप किस तरीके से बताएंगे, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आज इस सेशन के लास्ट में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए आपके सामने ये ग्रुप 15, 16 और 17 के रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करते हैं, यानी कि कैसे ये एलिमेंट्स हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट अगर कॉमनली देखा जाए तो दीज हाइड्राइड फॉर्म्स एलिमेंट्स फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ 15 है वो फॉर्म करता है H3E, जहाँ E क्या है बच्चों, उस ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का नाम होगा। E में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ये हो गया हाइड्राइड ग्रुप 15 के लिए। ग्रुप अगर 16 की बात करोगे तो जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, H2E, वेयर ई मे बी ऑक्सीजन, सल्फर, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप 17 की बात करोगे तो HE, जहाँ ई क्या हो सकता है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन और अदर मेंबर्स हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपको जनरल फार्मूला हो गया हाइड्राइड्स के लिए ग्रुप 15, 16 और 17 के लिए। इज दैट क्लियर? जहाँ ई क्या है, ई रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। क्लियर हो गया? ओके, तो पहला पॉइंट H3E टाइप हाइड्राइड होगा, H2E टाइप होगा, यहाँ पर HE टाइप हाइड्राइड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं स्टेबिलिटी की, जो हाइड्राइड बनते हैं एटम का साइज बड़ा होता है। एटम का साइज बड़ा होता जो आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहाँ ध्यान से देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि बॉन्ड आपका वीक हो रहा है। इसको एक डाटा के थ्रू अगर आप देखना चाहो तो ये डाटा हमारे पास है, देख सकते हो आप। यहाँ देखो जिस सबसे लास्ट वाला पॉइंट ग्रुप 15 में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 389 है NH3 के लिए, ये है किलो जूल पर मोल में। PH3 के लिए 322 है, 297 है, 255 है। तो टॉप टू बॉटम
अब देखो तो धीरे धीरे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। सेम टू सेम केस ग्रुप 16 में आप देखो, जिस पॉइंट को मैं सर्कल कर रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू 463, 347, 276 किलो जूल पर मोल, 238 किलो जूल पर मोल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, सो थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। बेसिक कैरेक्टर, अगर आप बात करो NH3 की, PH3 की, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर से डिक्रीज करता है। अगर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इसका मतलब है कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो देखो बच्चों, एक तो सबसे पहली बात कि साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, ये इसका रीज़न है। हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उनके पास एक लोन पेयर होता है, जैसे मान लो NH3 नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है। द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ये रहा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। अब जरा आप सोचो, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि NH3 जो है हमारा वो क्या होगा? लुईस बेस होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको एसिड बेस का हम अभी दिखा देते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आरहेनियस ने क्या कहा है? H+ डोनर, OH डोनर। H+ डोनर एसिड होता है और OH डोनर, OH- डोनर बेस होता है। यानी इसने H+ और OH- का कॉन्सेप्ट दिया जो यहाँ पर है। ब्रॉन्स्टन लॉरी में क्या कहा गया? H+ जो डोनर होता है वो एसिड होता है और जो H+ एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है और लोन पेयर डोनर बेस होता है, इस कॉन्सेप्ट। तो अमोनिया की, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम बात करते हैं अमोनिया की, तो उस समय क्या होता है? इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनर होगा। अब जरा देखो, नाइट्रोजन एटम का साइज क्या होता है? नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट साइज है। और अगर आप बिस्मत की बात करो तो बिस्मत का साइज बड़ा होता है, लार्जेस्ट साइज हो गया इस पर्टिकुलर ग्रुप में। अब जब आप लोन पेयर, चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, कंसेंट्रेशन है, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? स्मॉल रीजन में होगा, स्मॉल एरिया में होगा, चूंकि साइज छोटा है। और साइज छोटा होने से आप कह सकते हो लोन पेयर इज कंसंट्रेटेड ऑन ए स्मॉल रीजन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इट इज द मैक्सिमम। कॉन्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन? इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम। एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस डाउन द फैमिली, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग। एज द रिजल्ट व्हाट इज हैपन्ड? व्हाट द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, और यू कैन से दैट द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बड़े एरिया में चली जाएगी, वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लुईस बेसिक जो नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है स्प्रेड ओवर अ ग्रेटर वॉल्यूम एंड इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली मोर डिफ्यूज। ये मेन पॉइंट है। अगली बात समझ में, तो हम कह सकते हैं कि आपको ग्रुप 15 में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और ग्रुप 16 में बात करो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा,
एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ भी डिक्रीज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ये बॉन्ड एच एफ बॉन्ड है, आसानी से तोड़ जा सकते, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो हाइड्रोजन आयन का रिलीजमेंट जो है आसानी से पॉसिबल होगा यहाँ पर, क्योंकि इसलिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करना आसान होगा। तो थर्ड पॉइंट इसके लिए कंपेरेटिवली आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अब अगर बेसिसिटी की बात करें, ये भी पॉइंट आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिसिटी टर्म इज यूज इन योर चैप्टर। बेसिसिटी मीन्स ये किसी भी एसिड के लिए वर्ड यूज होता है कि कोई भी एसिड मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस कर सकता है इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। और जब आप बात करते हो एसिडिटी ऑफ बेस की, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, किसी बेस में कितने हाइड्रोक्सिल आयन है विच कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन एसिड इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो मोनोबेसिक हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को देख लो, दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो डाईबेसिक हो गया। आप H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को देख लो, तीन प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, इसलिए ट्राईबेसिक हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी, आपने इसको 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब हम बात आगे करते हैं, पढ़ते हैं कि जो हाइड्राइड्स हैं उनकी और क्या प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पर स्पेलिंग बच्चों से टिक टूवर्ड्स की स्पेलिंग चेंज कर लेना। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिए, हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन में हमने पहले स्टेबिलिटी देख ली, हमने बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया, एसिडिक कैरेक्टर देख लिया ग्रुप 15, 16, 17 की। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट हमारा चारों में, तीनों में कॉमन है ग्रुप 15, 16 और 17 में। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन द ऑर्डर, जरा ध्यान से इस चीज़ को देखो। PH3 से बढ़ते बढ़ते SbS3 पे जाता है, सबसे ज़्यादा NH3 का होता है। एक बार हम यही केस सेम टू सेम इधर है, आपको H2S से बढ़ता हुआ H2E की तरफ जाता है, और H2O जो सबसे पहला हमारा हाइड्राइड था उसकी सबसे मैक्सिमम होती है, और HCl, HBr, HI और फिर सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा HF का होता है। तो इसके डाटा को जरा हम चेक करते हैं, डाटा से हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखो 195.2। अब इन तीनों को आप ध्यान से देखिए, अब देखिए PH3 139.5, ASH3 156, ये 185, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ा और सबसे ज़्यादा NH3 का हो गया। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपको आप देखते हो, तो जो पहला आपका ग्रुप है NH3 जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, या वाटर के केस में देखो, H2 हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में देखो, यहाँ पर देखो 273 यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा हो जा रही है। इसी तरीके से आप ग्रुप 17 में देखो तो 159 टू 185 से 220 तक इंक्रीज करता है, और 190 HF की मैक्सिमम हो जाती है। तो ये एक ट्रेंड है कि सेकेंड मेंबर से लेके इंक्रीज करेगा, और सबसे हाईएस्ट जो होगा वो फर्स्ट मेंबर का होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करता है पहली बार, तो वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करने से ऑब्वियसली जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन जो अमोनिया का, वाटर का या हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसके पीछे रीजन क्या है? दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एग्जामिनेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप NH3, PH3, AS S3, SbS3, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो। तो पहले बच्चों आप PH3 लिखोगे, इससे ज़्यादा ASH3 का होगा, फिर उसके बाद SbS3 का होगा, और देन सबसे ज़्यादा किसका होगा? NH3 का, यानी जो फर्स्ट मेंबर का हाइड्राइड होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों एक्सेप्शनल इस क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, जो है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
तो चार या पांच प्रॉपर्टीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक बेसिक, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी की बात। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं कि इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या ऐसा क्यों होता है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सभी आपको हम दिखाएंगे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ भी देखो इंक्रीज करता है, H2S2S2E। अब क्यों इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इंक्रीज डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन की इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आगे बात समझ में, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। बॉन्ड को जब ब्रेक करना आसान होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, ईजिली हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जा सकता है और किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस किया जा सकता है, तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। यानी कह सकते हो कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इनका काम करना बड़ा अच्छा होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो ये चीज़ आपको तीनों ग्रुप में सेम पॉइंट है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो तो ये भी डिक्रीज करता है, सेम रीजन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो एक तरीके से अगर हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप करें, अगर हमने ये डाटा देख लिया, बॉयल मेल्टिंग पॉइंट देख ली, बॉइलिंग पॉइंट देख ली, बॉन्ड लेंथ की बात कर लो, डिस्टेंस की, तो टॉप टू बॉटम देखो इंक्रीज कर रहा है, सेम पॉइंट है। बॉन्ड एंगल की बात करो तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। अगली बात समझ में, तो अब हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड की, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। ये कॉमन पॉइंट है जिसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। तो ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन की बात की जाए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्या डिक्रीज करते हैं। और सब में आप देखो तो सेंट्रल एटम के साइज़ की बात की जाती है, स्टेबिलिटी की बात की जाती है। एक कॉमन पॉइंट आप डेवलप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए, एटम के साइज़, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और उसके बेसिस पर आप इस चीज़ को किसी भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, देख लो यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, जस्ट हैव अ लुक हियर, इट इज ऑल्सो गिवन इन द पीडीएफ फॉर्मेट टू ऑल ऑफ यू। अब हम थोड़ा सा कुछ बोर्ड के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो पूछे गए। देखो 2020 में जो बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्सन रीजनिंग बेस्ड है, एफ एफ बॉन्ड इन एफ टू मॉलिक्यूल इज वीक, एफ एटम इज स्मॉल इन साइज। उसके बाद आपको ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मैं सिर्फ आज क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे हम पढ़ सकते हैं। रिएक्शन देखिए पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन ही पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। अब 2019 का देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ऐसे क्वेश्चन, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, 2019 का क्वेश्चन है। 2018 में देखिए व्हाट हैपेंस करके क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2018 के क्वेश्चन में और देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों, इनको आप पॉज करके पढ़िए, देखिए और सोचिए कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मेरा मकसद भी यही है कि ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को देखें और आपके दिमाग में एक माइंड सेट हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आता है और हमें कैसे करना है। इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी जो अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और आज हमारा हाइड्राइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए, अब हम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और हैलाइड के साथ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वंस अगेन आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल, सो कंटिन्यू योर स्टडी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।